Today we are going to discuss the evidence-based practice. In previous lecture or part one of the this lecture, next हम इसको आगे continue करेंगे कि the three basic pillar. Number one is the best scientific evidence, research evidence that is available. Second main and important pillar is clinical experience, and third one is patient values and preferences. As well as in previous or part one of this chapter, I also discussed the five main steps of EBP. तो ये जो हमारे main important three pillars हैं और five steps हैं EBP के, उनको अब हम एक scenario के through explore करेंगे, discuss करेंगे और बताएंगे कि ये three pillars और five steps जो हैं वो किस तरह से EBP की foundation हैं और एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और इन्फॉर्म क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करेंगे पेशेंट्स को भी टू गेट बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट टेक्निक एंड फिजिकल थेरेपी को भी जो है वो हेल्प आउट करेंगे कि वो पेशेंट के लिए मैक्सिमम ट्रीटमेंट अप्रोच यूज़ करें विद मिनिमम टाइम एंड विद मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स. सो ये एक केस स्टडी है और ये केस स्टडी बुक में भी अवेलेबल है. द केस स्टडी इज कंसिस्ट ऑफ जून विल्सन इज अ पेशेंट, अ 17 ईयर ओल्ड स्विमर रेफर टू योर आउट क्लिनिकल फॉर नेक पेन 3 days बिफोर द स्टेट ऑफ हाई स्कूल स्विमिंग चैम्पियनशिप इन विच शी इज़ शेड्यूल्ड टू कम्पीट. 17 ईयर ओल्ड स्विमर हैं और उनके स्कूल में कंपटीशन है और उसे 3 दिन पहले उनको नेक पेन की कंप्लेन है. जून एंड हर पेरेंट्स विल एक्सपेक्ट यू द मूवमेंट एक्सपर्ट मीन फिजिकल थेरेपिस्ट टू बी एबल टू आंसर देयर क्वेश्चन. अब उनकी क्या क्यूरीज हैं पेशेंट की और पेशेंट केयर प्रोवाइडर्स जो इस केस में उसके पेशेंट्स हैं. दे माइट बी आस्क व्हाई डज माई नेक हर्ट एंड व्हाट आर द चांसेस दैट आई विल बी एबल टू स्विम विदाउट पेन इन 3 days. नेक जो है उनके नेक में क्या प्रॉब्लम है, क्यों हर्ट हो रही है, क्या वो 3 दिन बाद किसी स्विमिंग कंपटीशन में इंडल्ज होने की कैपेबल है. एंड थर्ड वन इज़ व्हाट विल बी एबल टू डू टू हेल्प मी गेट बेटर कि क्या चीज़ें हैं, क्या ट्रीटमेंट्स हैं, कोई टेक्निक्स हैं, क्या चीज़ मेडिसिन सर्जरी और फिजिकल थेरेपी, क्या चीज़ व्हाट्स एवर एविडेंस क्या कहता है जिससे वो विद इन 3 days बेटर हो जाए. सो ये केस स्टडी है और ये हमारे पास EBP के 5 steps हैं जो मैं ऑलरेडी 5 steps मॉडल डिस्कस कर चुकी हूँ इंट्रोडक्शन टू EBP मॉडल्स फर्स्ट पार्ट में. अगर अगेन इसको मैं रिवाइज़ कर देती हूँ सो जो हमारा 5 मॉडल स्टेप्स है उसमें step 1 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द नीड फॉर इंफॉर्मेशन एंड डिवेलप अ फोकस्ड एंड सर्चेबल क्लिनिकल क्वेश्चन. द सेकेंड स्टेप इज़ कंडक्ट अ सर्च to find the best possible research evidence to answer your question. So इसमें अब जो जून के केस में हमारा जो फर्स्ट स्टेप है या जो क्लिनिकल क्वेश्चन है वो हमारा नेक पेन से रिलेटेड है. अब हमने देखना है कि नेक पेन में मैनुअल थेरेपी अच्छी है या थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज अच्छी है या इन दोनों का कम्बिनेशन अच्छा है. step 2 कंडक्ट अ सर्च. तो क्या होगा कि कोई जो हमारे सर्च इंजन है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस हैं जिसमें पब मेड आ जाता है, गूगल स्कॉलर्स हैं, कोक्रेन है, एप्टा की चीज़ें हो गई, मेडलाइन, ये सारे हमारे सर्च इंजन्स हैं. इन पे हम डिफरेंट स्टडीज़ पे सर्च कंडक्ट करेंगे और अपने क्लिनिकल क्वेश्चन का जो कि जून विल्सन के केस में नेक्स्ट से रिलेटेड है एक बेस्ट पॉसिबल आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. step 3 दैट विल बी द अप्रेजल कि आपने जो अपने रिसर्च क्वेश्चन से क्लिनिकल क्वेश्चन से मैक्सिमम रिजेंबल करता हो, आपके आंसर क्वेश्चन को आंसर करने के कैपेबल हो, उस आर्टिकल को अप्रेज करना है फॉर एप्लीकेबिलिटी एंड क्वालिटी. 4th इज द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेट द क्रिटिकली अप्रेज रिसर्च एविडेंस. आपने वो जो आर्टिकल लिया है या जो एविडेंस रिसर्च एविडेंस आपने रिट्रीव किया है उसको आपने अपने क्लिनिकल एक्सपर्टीज और पेशेंट वैल्यूज़ जो हमारे EBP के 3 main pillars हैं. सो बेसिकली step 4 जो है आपके तीनों इम्पॉर्टेंट पिलर्स को इंटीग्रेट कर रहा है. 1 इज़ द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस, 2nd इज़ क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड 3rd पेशेंट वैल्यूज़ एंड सरकमस्टांसेस. जो ऑलरेडी इन तीन चीज़ों को हम part 1 में क्लियरली मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. 5th इज़ द इवेल्यूएशन ऑफ द
वन टू फोर स्टेप. स्टेप वन क्लिनिकल क्वेश्चन सर्च अप्रेज एंड इंटीग्रेट के बाद हम फर्दर इवेलुएट करेंगे उन फोर स्टेप्स को और आइडेंटिफाई वे टू इम्प्रूव दैम इन फ्यूचर. फ्यूचर में पेशेंट केयर के लिए इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे. सो अगेन दीज आर द फाइव स्टेप्स इन EBB प्रोसेस जो हैं आइडेंटिफाई द नीड फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर्मुलेट रिसर्चेबल क्लिनिकल क्वेश्चन, कंडक्ट अ सर्च दैट हेल्प यू टू आंसर योर क्वेश्चन. थर्ड वन इज क्रिटिकली अप्रेज द रिसर्च एविडेंस फॉर एप्लीकेबिलिटी एंड क्वालिटी. फोर्थ वन इज़ द इंटीग्रेशन एंड फिफ्थ वन इज़ द इवेल्युएशन. सो अब ये जो जून विल्सन का केस है, केस स्टडी में अगर मैं इन स्टेप्स को क्लियरली बताऊं कि हम इनको EBP के टर्म में फाइव स्टेप्स में किस तरह से लेंगे. स्टेप वन इज़ द क्लिनिकल क्वेश्चन. इन जून केस यू आस्क, अब क्वेश्चन क्या आपको बनेगा, फॉर अ 17-year-old फीमेल स्विमर इस मैनुअल थेरेपी कंबाइन विद थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज मोर इफेक्टिव देन थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज अलोन फॉर रैपिड रिडक्शन ऑफ पेन एंड रिटर्न टू स्विमिंग. तो एम तो यही है कि पेन कम हो, नेक पेन, और अगेन जो है वो पेशेंट कैपेबल हो स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का. सेकेंड वन इज़ द सर्च. सो बींग अ थेरेपिस्ट आई विल सर्च इन सर्च इंजन. आई विल इधर यूज पबमेड, गूगल, कॉकरेन, कोई भी सर्च इंजन हो सकता है. उसमें मैं RCT हैं, कोई सिस्टमेटिक रिव्यूज़ जो मैनुअल थेरेपी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे उनके मेरिट्स वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए या मैनुअल थेरेपी और थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज को कंपेयर करने के लिए यूज़ करूँगी एज अ सोर्स ऑफ एविडेंस. नेक्स्ट इज़ द अप्रेजल. यू फाइंड अ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल. एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मिल गया है तो आप उसमें क्या करेंगे, स्टडी की को अप्रेज करेंगे इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म ऑफ एप्लीकेबिलिटी के इधर ये जो रिजल्ट्स हैं उस स्टडी के वो आपके पेशेंट की कंडीशन और आपके क्लिनिकल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हैं या नहीं. फोर्थ वन इज़ द इंटीग्रेशन. इसमें हम क्या करेंगे, अपना जो एविडेंस मिला है हमें रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से, मैनुअल थेरेपी और थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज आपने देखा उस आर्टिकल में, उसने सपोर्ट किया कि मैनुअल थेरेपी और थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज अगर आप कंबाइन लेकर चलोगे तो जो पेशेंट के अंदर रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको जस्ट थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज से ट्रीट करोगे. तो इंटीग्रेशन में हमें पता है कि हमने तीनों स्टेप को मिलाना है, पेशेंट की वैल्यूज़ और सरकमस्टांसिस भी देखने हैं, अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ भी देखनी है और रिसर्च को भी. तो इस सिनेरियो में जब डिस्कस किया गया जून और उसके फादर्स या जो उसके केयर प्रोवाइडर्स हैं वहाँ से, तो जून वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल फॉर द मैनुअल थेरेपी टेक्निक एज मैनुअल थेरेपी टेक्निक इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ हाई वेलोसिटी थ्रस्ट और क्रैकिंग साउंड्स जो उसके लिए कम्फर्टेबल नहीं थी. तो पेशेंट की प्रेफरेंसेस वगैरह को देखते हुए जो बींग क्लिनिकल एक्सपर्ट उसको टेक्निक दी गई या ट्रीटमेंट दिया गया दैट इन्वॉल्व नॉन थ्रस्ट मोबिलाइजेशन, होम एक्सरसाइज एंड फर्दर पोस्टरल री एजुकेशन टू ट्रीट हर केस. सो दैट विल बी द इंटीग्रेशन कि हमने उसमें पेशेंट की वैल्यूज़ और उसकी प्रेफरेंसेस को भी माइंड में रखना है सब अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक और इक्विपमेंट्स को देखते हुए. फर्दर इवेल्युएशन आफ्टर द ट्रायल ट्रीटमेंट और आफ्टर द सेशन हमने देखना है कि पेशेंट जो है वो किस तरह से कितना बेटर हुआ है और उसकी क्या प्रोग्रेस है. साथ साथ फर्दर उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक रिव्यूज़ हैं, CPGs हैं या जो हमारे फर्स्ट टू फोर स्टेप्स हैं उनको दोबारा से इवेल्युएट एंड री इवेल्युएट करके फ्यूचर जो उसके सेशंस हैं वो बेटर करेंगे. तो ये उस रीसेंट सिनेरियो जो ऑलरेडी ये जो केस स्टडी है उसके अकॉर्डिंग हम EBP का जो है वो ये इस तरह से एक 5 मॉडल का क्वेश्चन बनेगा और केस स्टडी की एग्जांपल और 5 मॉडल स्टेप्स जो हैं ये एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिए हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास बैरियर्स हैं EBP में कि क्या क्या बैरियर्स हैं वो पॉसिबिलिटी हैं जो कोई भी बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट बीइंग अ यूज़र और कंज्यूमर ऑफ EBP आप फाइंड आउट आपको हो सकते हैं. वन इज़ द टाइम. सेकेंड वन इज़ लैक ऑफ जनरलाइजबिलिटी ऑफ रिसर्च. थर्ड वन इज़ लैक ऑफ रिसर्च स्किल. फोर्थ इज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लैक ऑफ सर्च एंड अप्रेजल स्किल्स. नेक्स्ट इज़ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज.
एंड नेक्स्ट इज़ इनकंसिस्टेंट कल्चर ऑफ EBP फिज़िकल थेरेपी. सो सबसे पहला और जो मेजर और कॉमन बैरियर है दैट इज़ द EBP में, दैट इज़ टाइम. आप टाइम सबसे बड़ा बैरियर है और कॉमन बैरियर है. आप क्या हो सकते हैं कि फास्टर आपने सर्च करनी है, रिसर्च करनी है, और फिर वो जो आपके सर्च आर्टिकल हैं उनको आपने अप्रेज भी करना है. तो इन सब में आपने अपना टाइम मैनेज करना है, आपने स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करना है, एज़ वेल एज़ आपने क्वालिटी को भी मेंटेन करना है. सो उसके लिए टाइम फाइंड आउट करना, तो टाइम विल बी द बेसिक एंड मेजर बैरियर कि आप EBP को अपनी प्रैक्टिस में इंडल्ज करने के कैपेबल हो या नहीं हो. सेकंड इज़ लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी ऑफ रिसर्च. तो हम नॉर्मली देखते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं हम इंडिविजुअल पेशेंट को ट्रीट करते हैं, लेकिन जो रिसर्च हम करते हैं, रिसर्च का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली ग्रुप्स में होता है, या नंबर ऑफ़ पेशेंट्स वगैरह या उनमें सैंपल ज़्यादा होता है. तो आप किस तरह से इस चीज़ को ले सकते हैं कि जो आप एक स्टडी है जिसमें एक कोई सैम्पल थे 50 to 60 लोगों का जो डाटा वगैरह कलेक्ट किया गया और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं आप उसको अपने एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर पेशेंट पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का जो कंपोनेंट है वो इस चीज़ में हेल्प आउट करेगा कि अगर आप चीज़ों को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, थिंक करते हैं, और उसमें से जो आपके सिनेरियो से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या जो केयर उस आर्टिकल के अंदर प्रोवाइड की गई है, अगर आप उस कंपोनेंट को यूटिलाइज़ करते हैं तो ये बैरियर किसी हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है. थर्ड वन इज़ द लैक ऑफ रिसर्च स्किल. सो लैक ऑफ रिसर्च स्किल्स, आप हर किसी की जो है वो चॉइस हैं या जो कह लें कि प्रोफेशन को डील करने के मेथड्स डिफरेंट हैं. मे बी आप जो है वो एक अच्छे रिसर्चर ना हो, या आप कभी फिजिकल थेरेपिस्ट ना बनना चाह रहे हों और आपको पता ना हो कि जी नेक्स्ट जाकर आपको रिसर्च भी करनी होगी. तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ EBP. एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आपको अलाउ करती है कि बीइंग अ फिज़िकल थेरेपिस्ट यू कैन ओनली बी द कंज्यूमर ऑफ रिसर्च, कि आप जस्ट रिसर्च कंज्यूमर भी हो सकते हैं, नॉट द ड्यूअर ऑफ रिसर्च. नेक्स्ट इज़ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अब चूंकि रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह जब आप लेते हैं, उनको रिट्रीव करते हैं डाटा को, तो उनमें से जब आप स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में जाएंगे, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडीज़, तो वो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट हो सकती है क्लिनिकल स्टडीज़ में और क्लिनिकल सेटिंग्स में, कि आप जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की तरफ ना जाएं, क्योंकि आपको रिसर्च स्किल्स में इतनी नॉलेज नहीं है. और अगर आप रिसर्च को यूज़ कर भी रहे हो, आप कंज्यूमर भी हैं, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है उसकी वजह से आप थोड़ा हेजिटेट करते हैं उसके रिजल्ट्स वगैरह को कंसीडर करने में, या उसके रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग को गेट आउट करने के लिए. तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी एक मेजर बैरियर है इन द केस ऑफ EBP. नेक्स्ट इज़ द लैक ऑफ सर्च एंड अप्रेजल स्किल्स. अगेन सर्चिंग फॉर द रिसर्च एविडेंस और फिर उसको अप्रेज करना फॉर द एप्लीकेबिलिटी एंड क्वालिटी टू टेक इन टू द प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो अ मेजर बैरियर. तो लेकिन ये जो लैक ऑफ सर्च अप्रेजल स्किल्स हैं फॉर द क्वालिटी एंड एप्लीकेबिलिटी, विद द प्रैक्टिस यू कैन लर्न टू बिकम वेरी स्किल्ड. इनिशियली आप इतने अच्छे रिसर्च को जो आपका प्रीवियस लिटरेचर है उसको फाइंड आउट ना कर सके, या जो सर्च इंजन्स हैं उनको अच्छे से यूज़ करने के कैपेबल ना हो, बट विद द टाइम आप जो है वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपकी चीज़ें फर्दर फनल होते हुए समराइज होती जाएंगी और आप मोर प्रिसाइज और मोर कंसर्न हो जाएंगे चीज़ों को, तो वो एक बैरियर भी मिनिमाइज हो सकता है. नेक्स्ट इज़ अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अ बिजनेस. मीन जब आप कोई भी सर्च इंजन से डाटा रिट्रीव करना चाह रहे हो, लिटरेचर सर्च करना चाह रहे हो, या किसी क्लिनिकल क्वेश्चन से अपना आंसर फाइंड आउट करना चाह रहे हो, या कोई बेस्ट अवेलेबल थेरेपी फाइंड आउट करना चाह रहे हो, वो आपको ना मिल रही हो ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. और मोस्टली जब आप यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन इंजन्स यूज़ कर रहे हो, तो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, मे बी बहुत सारे आर्टिकल्स के आपको एक्सेस भी ना मिले, या बहुत सारे आर्टिकल्स आपके पेड हों. तो फ्री रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, उसके अलावा इंटरनेट कनेक्शंस की फैसिलिटीज़, वो भी एक मेजर बैरियर हो सकते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज.
द लास्ट वन इज़ द इनकंसिस्टेंट कल्चर ऑफ EBP इन फिजिकल थेरेपी. इनकंसिस्टेंट कल्चर मीन फिजिकल थेरेपिस्ट हैव वास्टली डिफरेंट EBP स्किल्स एंड नॉलेज. हर किसी का अपना जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना नज़रिया है डिसीजंस मेकिंग का, या अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने का, डील करने का, या अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ को इन्हांस और एक्सप्लोर करने का. सो मेजॉरिटी ऑफ द जो थेरेपिस्ट हैं वो समटाइम EBP को वैल्यू करेंगे, बट वहाँ पे कुछ ऐसे थेरेपिस्ट भी होंगे जो इसको वैल्यू नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे. सो एज अ न्यू लर्नर ऑफ EBP वी हैव टू मैनेज और टू इंटीग्रेट ऑल थ्री सोर्सेज ऑफ एविडेंस इन टू पेशेंट केयर. के मीन आप रिसर्च एविडेंस भी यूज़ करेंगे, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ भी, पेशेंट वैल्यूज एंड सर्कमस्टांसेस टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट आउटकम एंड टू प्रोवाइड बेस्ट अवेलेबल टेक्निक टू द बेटरमेंट ऑफ पेशेंट. सो दीज आर ऑल द बैरियर्स ऑफ EBP दैट हिंडर द EBP प्रैक्टिस इन प्रैक्टिकल लाइफ कह लें, या इन प्रैक्टिस जो फिजिकल थेरेपिस्ट एक फेस कर सकता है. नेक्स्ट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. इसको मैं ऑलरेडी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इन ट्राइंग टू सर्च और रिट्रीव द रिसर्च एविडेंस, उसमें फ्री रिसोर्सेज का भी इशू भी आ सकता है और इंटरनेट कनेक्शंस का भी. थैंक यू.